मलाड का पिपेरी पाड़ा बना शराबियों का अड्डा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैनसिद, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इन दिनों जिस तरीके से पूरे मुंबई में नशे को लेकर जो खुले में नशा करते हैं उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं कुरार पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में जो पिपेरी पाड़ा है वहाँ पर खुले में 50 से अधिक लोग शराब का नशा करते हैं और इसका खामियाजा वहाँ के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। बताया जा रहा है ये जो जगह है यहाँ पर पहले से 3 वॉचमैन बैठे हुए रहते हैं, मगर ये एक ट्रस्ट की जगह और एक प्राइवेट जगह है, इसके लिए यहाँ पर किसी भी तरीके की बाउंड्री नहीं मारी गई है। पुलिस जब भी आती है इन नशेड़ियों पे कार्रवाई करती है, मगर इसके बावजूद नशेड़ियों का हौसला इतना बुलंद है और ये शराबियों का हौसला इतना बुलंद है कि इसके बावजूद वे उसी क्षेत्र में जाके लगातार नशा करते हैं और शराब पीते हैं, जिसका खामियाजा आसपास के लोगों को भुगतना पड़ता है। बताया ये जा रहा है सूत्रों द्वारा मिली जानकारी में, सर कई बार शिकायत करने के बावजूद पुलिस यहाँ पर रूट मार्च करती है और यहाँ पर राउंडअप लगाती है, इसके बावजूद ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ये जो जगह है ट्रस्ट की जगह है, 3 वॉचमैन जिन्होंने हमें ऑफ कैमरा बताया है कि अगर हम इन्हें बोलते हैं या रोकते हैं तो ये शराबी इन पर ही हमला करने लगते हैं, इनसे ही झगड़ा करने लगते हैं, मगर जब पुलिस आती है पुलिस को देख के डर के भाग जाते हैं। तो ऐसे में पुलिस को अपना राउंडअप इस क्षेत्र में बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र के जो DCP है जोन 12 की स्मिता पाटिल मैडम और जो इस क्षेत्र के एडिशनल CP है राजीव जैन सर, वो भी इस प्रकार के जो खुले में नशा करते हैं उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की बेहद सख्ती से ज़रूरत है। कैमरा पर्सन आमिर का जैन से मुंबई टीवी।